हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड, वैसे तो मेरी 16 तारीख की ज्वाइनिंग थी, अभी तक सभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ और स्टेशन भी अभी अलॉट नहीं हुआ, लेकिन फाइनली कल एक और काम हुआ HRMS ID से रिलेटेड। उसका कल मुझे टेक्स्ट मैसेज आया था जिसे मैं ID पूरी अपनी बना लिया हूँ और सभी डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करने के बाद सबमिट कर दिया हूँ। सो आप लोग को मैं आज बताने वाला हूँ कि HRMS ID आपको कैसे बनाना है और आपको टेक्स्ट मैसेज कितने दिन बाद आता है। सो गाइस, ब्लॉग में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन भी भाई लोग की अभी ज्वाइनिंग होने वाली है वो उनको पता चल सके कि HRMS ID कैसे बनेगी। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग को मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग 16 जून को थी, उससे रिलेटेड एंड वहाँ पर DRM ऑफिस भोपाल में जाने के बाद पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या क्या हुआ, मैंने सबके ब्लॉग पर प्रॉपर बनाया है। अगर सबकी डिटेल्स आपको जाननी है और आप लोग की अगर ज्वाइनिंग होने वाली, तो उन ब्लॉग को आप लोग ज़रूर देख लेना, आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड गाइस, ये जो HRMS ID से रिलेटेड जो जानकारी है मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरी ज्वाइनिंग 16 जून को हो गई थी, अभी तक HRMS ID नहीं बनी थी हमारे ग्रुप में। जो फर्स्ट फेज का लास्ट बैच था, बैच नंबर 17, जिसमें 35 लोग थे, किसी की ID नहीं बनी थी। अभी लगभग 2-3 दिन से कंटिन्यू सभी लोग के इसमें मैसेज आ रहा है, तो आप लोग को भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाती है और PDF वगैरह सबमिट हो जाते हैं वहाँ पर, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग घर भी चले जाते हैं ज्वाइनिंग के बाद, आपके पास टेक्स्ट आता है, वहीं से मैसेज कर देते हैं, आपके फ़ोन में भी टेक्स्ट आता है और आपके मेल में भी। आप लोग को मेल को खोलना है और वहाँ पे जो टेक्स्ट में एक लिंक दी रहती है उसी को टच करना है। वहाँ पर एक ID दी रहती है, HRMS ID, एंड वहाँ पर एक पासवर्ड दिया रहता है, test@123, उसी को आपको ओपन करना है। और वहाँ पर ये डालने के बाद वहाँ पर ID और जो ये पासवर्ड वहाँ डालोगे आप लोग, और देन उसके बाद जो खुलता है वहाँ पे लिंक कैप्चा डालने के बाद, वहाँ पे आप लोग को नया पासवर्ड बनाना, और पासवर्ड अच्छा नया, मतलब थोड़ा सा सही रहना चाहिए पासवर्ड। सही का मतलब कि थोड़ा सा हार्ड रहना चाहिए, ताकि कोई लोग हैक ना कर पाएँ। अगर आप लोग अच्छा सा पासवर्ड डालेंगे तो आपकी ID बन जाएगी। फिर से आप लोग को लिंक से बाहर आना है, देन फिर से उसी लिंक में जाना, और जो आप लोगों ने ID बनाई है एंड पासवर्ड बनाया है, ID तो वही रहेगी, जो पासवर्ड आप लोग बनाएंगे वहाँ पे जाके उसको ओपन करेंगे। देन ओपन करने के बाद वहाँ पे क्या क्या करना है आप लोग को, वो मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन में बताऊँगा, यहाँ पर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। गाइस, चलिए फ़ोन की स्क्रीन में चलते हैं अपन। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को अपने फ़ोन के जो टेक्स्ट मैसेज आता है आपकी मेल ID में जाना है। वहाँ पर HRMS ID से रिलेटेड आप लोग को एक मैसेज आएगा, उसी लिंक पे आपको टच करना है। देन जो वो ID रहती है, वो ID वहाँ पे आपको डालना है, एंड पासवर्ड जो test@123 आपको डालना है। उसको जैसे ही आप वहाँ पर डालते हैं और कैप्चा फिल करेंगे, आप लोग को एक नया पेज ओपन होगा खुलने के बाद, और वहाँ आपको एक नया पासवर्ड बनाना, पासवर्ड थोड़ा हार्ड बनाना है। वहाँ पर पासवर्ड आपको कैसे बनाना, उसके रिगार्डिंग कुछ आपको हेल्प भी की जाएगी, कि मतलब आपको इतने लेटर स्मॉल बनाना है, इतने लेटर ये है, कोई सा अलग साइन भी डालना है। उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर जानकारी भी दी रहती है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो उसको आपको पढ़ के आप लोग को नया पासवर्ड डालेंगे, देन कंफर्म पासवर्ड। फिर उसके बाद एक और नीचे ऑप्शन का आएगा, चेंज का लिखा रहता है। आप लोग को मतलब ये नहीं सोचना है कि वहाँ पर हम चेंज पर दबा देंगे तो कुछ और ऑप्शन आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग सिंपल सा उसी चेंज पर टच करेंगे, देन आप लोग को यहाँ पर पहुँच जाओगे। कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस आप लोग ये देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी पूरी ID खुल चुकी है, यहाँ पे नाम सोहरा अंजनी यादव। यहाँ पे आप लोग को सिंपल, यहाँ ये ID पूरी दी हुई है, यहाँ आप लोग को ऑन बोर्डिंग में जाना है, जैसे कि आप लोग लिखा ये डैशबोर्ड के बाद नीचे ये ऑन बोर्डिंग, यहाँ पे टच करने के बाद ये कुछ खुल जाए। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आप लोग को खुलेगा, RRC नोटिफिकेशन, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, सब कुछ। यहाँ पे कुछ भी आप लोग को नहीं करना है। यहाँ पर ये कैंडिडेट डिटेल्स कॉम्प्लीशन जो लिखा है, यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल एंट्री में जाना आप लोग को, इसी में टच करना है। देन यहाँ पर ये देखिए, ये पूरी कुछ समय में आधी डिटेल आपको जो हो वहाँ पर PDF के समय भर दी जाती है, वो PDF पूरा शो हो जाएगा। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मेरी भी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, ये देख सकते हैं आप लोग पूरी डिटेल्स, यहाँ पर पूरा एड्रेस, ये सब कुछ, ये मेरा भरने के बाद मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और आप लोग को यहाँ पे भरने का है, ये जो आप लोग देख सकते हैं, नेम, रोल नंबर हो गया, अथॉरिटी हो गई, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ,
और ये एड्रेस आप लोग को खुद ही फिल करना है। मेरा सेम एड्रेस था, दोनों तरफ सेम ही है। ये अकाउंट से इन्फॉर्मेशन, अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे डालना है, बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर जो कैंसल चेक का आप लोगों ने फ़ोटो खींची हो पीडीएफ यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना है, एंड यहाँ पर नेशनलिटी और आपको शादी से रिलेटेड रिलीजन ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th आप लोगों ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबका मैंने डाल दिया है इसमें। और यहाँ पर आप लोग का ये देखिए 4-5 डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पर पीडीएफ बना के रखना है, यहाँ पे अपलोड करना है। एक अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओथ सर्टिफिकेट, मैंडेट फॉर्म और आधार कार्ड से रिलेटेड, एंड यहाँ पर जो एनी अदर डॉक्यूमेंट है। अगर आप लोगों ने कोई डिप्लोमा किया, जैसा कि मैंने यहाँ पर डिप्लोमा का नहीं डाला, सिर्फ 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का डाला है, और जो भी मैंने जैसे डिप्लोमा किया कंप्यूटर से रिलेटेड वो इसमें डाल दिया। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, और आप लोग को इसमें सब चीज़ें फिल करने के बाद ही आप लोग को सबमिट करना है, और एक बार आप लोग फिर से चेक कर सकते हैं भरने के बाद, देन आप लोग को सबमिट कर देना है। और जो आपकी आईडी और पासवर्ड अगर आप लोग भूल जाते हैं तो कहीं कागज़ में ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि वो क्या पासवर्ड आपको बार बार चेंज करने का ऑप्शन शायद ना मिले, सो आप लोग वो पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा। सो गाइस कुछ इस तरीके का है, लगभग सब चीज़ें इसमें आप लोग को फिल करना है, वही डिटेल से रिलेटेड है इन चीज़ों। और ये जो 4-5 डॉक्यूमेंट है इनकी पीडीएफ ज़रूर आप लोग को अलग अलग बनाना है, जैसा कि जो जो मैं बताया कि अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओथ, मैंडेट फॉर्म और आधार कार्ड, इनकी अलग से आप लोग पीडीएफ बना लेना है। और ये जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनकी भी पीडीएफ कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग को सबमिट करना। अगर इसके अलावा भी आप लोग की क्वालिफिकेशन है देन आप लोग प्लस करते जाइएगा, सो पूरी डिटेल आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस ये था पूरा ब्लॉग एचआरएमएस आईडी से रिलेटेड। आई होप आप सभी लोग के एचआरएमएस आईडी से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोग के कुछ डाउट हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड गाइस इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ताकि जिन भी भाई लोग की ज्वाइनिंग होने वाली है उसका फ़ायदा उठा सकें। सो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।